2017 में झारखंड में संतोषी नाम की मासूम की भूख से मौत होने के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके अलावा भी राज्य में भूख से मौत के कई मामले सामने आए थे, लेकिन अब एक अध्ययन से जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। तत्कालीन बीजेपी सरकार के समय जिन राशन कार्ड को फर्जी बताकर खारिज कर दिया गया था उनमें से 88% कार्ड सही थे, यानी वो परिवार राशन पाने के हकदार थे। ये अध्ययन इकोनॉमिस्ट कार्तिक मुरलीधरन, पॉल निहोस और संदीप सुखतांकर ने किया है। इसके मुताबिक रद्द किए गए राशन कार्ड्स में केवल 12% राशन कार्ड ही फर्जी थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पीडीएस में भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसे आधार से जोड़ने के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। इसे देश में भूख से मौतों के मामले को बढ़ाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि तकनीकी वजहों से गरीबों को अपने हिस्से का राशन नहीं मिल पा रहा है। कहीं पर अंगूठे के निशान का मिलान न होने की समस्या है तो कहीं पर नेटवर्क न आने की। ऐसे में जब सरकार मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने और नागरिकता को जांचने जैसे कदमों पर विचार कर रही है तो इससे होने वाली परेशानी का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। झारखंड में राशन कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई और 2018 तक चली। इसे लेकर राइट टू फूड एक्टिविस्ट ने चेताया भी था कि इससे लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं। अब ये स्टडी इसी बात को साबित कर रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं राइट टू फूड एक्टिविस्ट अमृता जौहरी। अमृता जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये हम खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब जो इकोनॉमिस्ट की स्टडी सामने आई है तो 88% राशन कार्ड फर्जी बताए गए थे, जबकि बाद में ये खबर साबित हुई कि सिर्फ फर्जी जो थे वो सिर्फ 12% थे। तो इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो आपको क्या लगता है ये जो सारी योजनाएं हैं उस पर किस तरह के सवाल लगते हैं और अंततः जिसको जो हमारे देश में इतनी भुखमरी है, जिसको खाना मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह जाते हैं, जो इसके हकदार हैं वो वंचित रह जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो पूरे देश में भूख और भुखमरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हाल ही में जो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है जो कि पूरे विश्व में देखता है कि भूख की क्या हालात है, उस पर हमारा नंबर 102 आया है 117 देशों में से। और अब किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले, किसी भी शहरी गरीब बस्ती में जाके देखें तो लोग क्या खा रहे हैं, एक दिन में एक बच्चा कितना प्रोटीन का इंटेक कर रहा है, क्या है जितना की क्वांटिटी जितनी मिलनी चाहिए, क्या वो उतनी ले पा रहे हैं, कि क्या गर्भवती महिलाएं उतना खाना खा पा रही है जितनी उनको जरूरत है। तो ये साफ दिखेगा आपको कि एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है और स्पेशली इस समय पे जहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी भी इतनी बढ़ी हुई है तो लोगों के पास पैसा नहीं है खाने का। तो उसमें एकमात्र जो सरकार की एक योजना है जो की है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कि हम बोलते हैं जन वितरण प्रणाली, उसके तहत लोगों को राशन कार्ड मिलता है और उसमें भी लोगों को केवल मूल्य 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी भी नहीं है कि आप 30 किलो 50 किलो किसी को दे रहे हैं, आप केवल 5 किलो प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। उसमें जो पूरा हमारी तरफ से एक जो मुद्दा रहा है वो ये है कि आप इसको यूनिवर्सलाइज कर दीजिए, आप ये सबको दे दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं कि हम राशन कार्ड बना के देंगे तो राशन कार्ड में आपको क्या चाहिए कि आपको प्रूफ चाहिए अपने रेजिडेंस का, निवासी होने का, एक जगह पे 5 साल से रहने का। तो उसमें जो सबसे वंचित वर्ग है, चाहे वो बेघर लोग हो, चाहे वो एकल महिलाएं हो, वो सब छूट जाती हैं। अब जो अभी जो खबर निकली है कि आधार से लिंक करने के बाद जो राशन कार्ड काटे गए हैं उसमें से 80% जो काटे गए वो जेन्युइन लोगों के राशन कार्ड थे, ये तो हमेशा होना ही था। क्योंकि अगर आप देखें कि सरकार पूरी एक कोशिश ये कर रही है कि भ्रष्टाचार को लड़ने का तरीके को वो बिल्कुल केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। देखिए, भ्रष्टाचार लड़ने का जो तरीका है वो ये है कि आप पारदर्शिता करिए और लोगों को जवाबदेही और शिकायत निवारण के सिस्टम दीजिए, उसके लिए खाद्य आयोग बिठाइए, उसके लिए सोशल ऑडिट कराइए। ये सब चीजें कराने की जगह सरकार बोल गई कि अब हम आधार से सब चीजों को लिंक कर देंगे तो कंप्यूटर ही चोरी पकड़ लेगा। अब जब कंप्यूटर चोरी पकड़ता है तो कंप्यूटर तो जाके फील्ड में देखता नहीं है कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल बेघर इंसान था या वो बिल्कुल गरीब तबके का इंसान था और इसलिए वो अपना आधार नहीं लिंक कर पाया। आप केवल एक कंप्यूटर के जरिए से आप बोल देते हैं कि भाई इतने हजारों लाखों राशन कार्ड लिंक नहीं हुए, इसका मतलब ये सब फर्जी है और आप काट देते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमने देखा है जब सिमडेगा जिले में 2 साल पहले 11 साल संतोषी की मौत हुई क्योंकि उनके फैमिली का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था क्योंकि वो उनकी परिवार उसको आधार से लिंक नहीं कराया गया था।
हमारा मानना है कि किसी भी ऐसी चीज से लिंक करना, आधार हो या कोई भी और दस्तावेज हो, जब आप खाने की सुरक्षा, मतलब हम खाद्य अधिकार की बात कर रहे हैं, मेरा राइट टू फूड, किसी भी चीज पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि भाई आपको खाना तभी मिलेगा जब आपके पास आधार होगा, आपको खाना तभी मिलेगा जब आपके पास निवासी सर्टिफिकेट होगा। पूरे विश्व में हम देखते हैं कि जितनी भी सरकारें हैं वो सब सूप किचन चलाती है, सामुदायिक किचन चलाती है, जहाँ पे कि कोई भी आके बिना कोई दस्तावेज दिखा के खाना खा सकते हैं। साथ ही में जब आप बात करते हैं ऐसी गरीबी की कि जहाँ पे कि इतना पलायन होता है लोगों का, सीजनल पलायन होता है, तो उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि सब लोगों के दस्तावेज एकदम 100% सही होंगे, वो तो बहुत एक बड़ा मुद्दा है ही। और ये रिसर्च ने यही साबित करा है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है कि भ्रष्टाचार को लोगों को इम्पावर करके ना रोककर एक कंप्यूटर रोकेगा, वो तो शुरू से हमें पता ही था कि गलत है, और आज ये साबित भी हो गया कि ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता इस इनसाइट के लिए।